हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीपर्पज़ नॉलेज पर। मैं हूँ पिंकी यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं निबंध समय का सदुपयोग या समय का महत्व पर निबंध पढ़ने वाले। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट न करते हुए निबंध स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात बता देती हूँ आपको, निबंध पूरा लर्न करने के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हाँ, प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो समय का सदुपयोग पर निबंध। समय बड़ा बलवान होता है। समय की एक खास बात है कि वो आपके हाथ में होता है और आपके हाथ में ये कि आप इसका कैसे उपयोग करें। तब समय आप ही के हाथ में कि आप इसका कैसे उपयोग करें। तो पहला पॉइंट हम इसका पढ़ते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना देखिए, संसार में समय को सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान धन माना गया है। अतः हमें इस मूल्यवान धन अर्थात समय को व्यर्थ ही नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं लौट पाता है। इसके विषय में एक कहावत प्रसिद्ध है कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। समय का महत्व इस बात से भी स्पष्ट है कि यदि धन खो जाए तो पुनः कमाया जा सकता है, यदि स्वास्थ्य खो जाए तो उसको भी प्राप्त कर सकते, परंतु समय एक बार हाथ से निकल जाए तो पुनः लौट कर नहीं आ सकता। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करते हैं वही जीवन में सफल होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक क्षण सीमित है। हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण सीमित है। हम कई कार्यों को सीमित समय पर करने की जगह समय की कीमत जाने बगैर उसे टालते जाते हैं और फिर पछताते हैं कि काश हमने ये काम उस वक्त कर दिया होता। एक कहावत भी है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए प्रत्येक कार्य को हमें सही समय पर कर लेना चाहिए। वैसे भी भगवान ने हमें जितना समय दिया है उसे ज़्यादा किसी के पास एक क्षण भी नहीं होता है। इसीलिए हमें हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करके निर्धन धनवान, निर्बल सबल, मूर्ख विद्वान बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, समय के सदुपयोग की विधि। समय के सदुपयोग की सबसे अच्छी विधि है प्रत्येक कार्य को करने के लिए उसके अनुकूल समय तय करना तथा समय के अनुकूल कार्य को निर्धारित करना। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्य कभी समय का सदुपयोग नहीं कर सकता है। आलस्य उसकी उन्नति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। आलस्य के कारण वह समय के महत्व को नहीं समझ पाता है और समय के सदुपयोग को समय के अनुकूल चलने में असमर्थ रहता है। इसीलिए आलस्य को त्याग कर समय की महत्ता पर ध्यान जरूरी है, तभी आलस्य व्यक्ति समय के साथ चल पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, समय के सदुपयोग की कहानी। समय के रहते प्रत्येक कार्य कर देना चाहिए ऐसा हम मानते हैं और ऐसा होना भी चाहिए, परंतु उससे ज़्यादा ये बात है कि मनुष्य में आलस्य ज़्यादा अगर हो तो उसके लिए ज़्यादा हानिकारक है। इससे संबंधित एक कहानी है, वो इस प्रकार है। एक गरीब किसान था, उसके चार पुत्र थे, परंतु चारों ही पुत्र बहुत आलसी थे। किसान उनकी इस आदत से बहुत परेशान था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी जिसका काम वो अकेले ही करता रहता था। अगर उसके लड़के वो काम करवाते तो थोड़े से काम करते और किसी ना किसी बहाने काम को टाल कर चले जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, समय महापुरुषों का साथ देता है। आप सबको तो ये बात पता ही है कि संसार में जितने भी महापुरुष वो मेघावी व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने दमयवक बुद्धितापूर्वक सदुपयोग किया है। नेपोलियन का उदाहरण हमारे सम्मुख है, केवल 5 मिनट ही देरी से युद्ध भूमि में पहुंचने के कारण वह पराजित हो गया तथा कैद कर लिया गया। अतः हमें अपने सभी कार्य समय पर ही करना चाहिए, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, उपसंहार, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। समय के सदुपयोग से मनुष्य के विचार गंभीर और पवित्र होते हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम समय का पूरा पूरा और उचित लाभ उठाएं। खेल के समय खेलें तथा पढ़ने के समय पढ़ें। समय के सदुपयोग से ही जीवन में सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य जीवन की ऊंचाइयों को छू लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि समय का सदुपयोग करना चाहिए हम सभी को, जिससे कि हम अपना कुछ कर सकते। सो गाइज, ये हमारा समय के सदुपयोग पर हमारा जो ऐसे था वो कंप्लीट हुआ। और भी मेरे चैनल पर ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।